सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए पहले कुछ हम चित्र देखेंगे। इन चित्रों से हमें क्या पता चलता है? जी हाँ, इन चित्रों से हमें एक त्योहार का नाम याद आ रहा है ना, जो इसी दिसंबर में होने वाला है। जी हाँ, तो उस त्योहार का नाम क्या है? क्रिसमस, जिसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं। तो आज हम लोग क्रिसमस के ऊपर अनुच्छेद लेखन करेंगे। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। ईसाई यानी क्रिश्चियन। क्रिसमस को बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह पर्व ईसा मसीह के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट। इस दिन लोग मेरी क्रिसमस बोलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। दिन क्रिसमस ट्री तथा रंग बिरंगी लाइटों से घरों को सजाया जाता है और क्रिसमस का जश्न 25 दिसंबर से 1 जनवरी यानी नव वर्ष तक चलता है। इस दिन लोग केक खाते हैं और खूब मजे करते हैं। और इस दिन लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना भी करते हैं। गिरजा यानी चर्च। लोग सांता क्लॉज बनकर बच्चों के बीच उपहार और खुशियां बांटते हैं। क्रिसमस का त्योहार प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। तो बच्चों, इसे आप लोग अपने हिंदी कॉपी में लिखोगे और एक क्रिसमस ट्री बनाकर उसमें रंग भरोगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।